हेलो बच्चों, आप बिल्कुल सही समझ रहे। ये केला मैंने क्रियाकलाप के करने के लिए ही लाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं? चलिए इसे देखने के लिए हम क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए वॉच ग्लास, स्लाइड, पानी, आयोडीन, बिलियन, ब्रश, कवर स्लिप, ब्लेड। सबसे पहले हम केले को छीलेंगे और इसके नरम हिस्से को ब्लेड की सहायता से निकालेंगे और इसे वॉच ग्लास में रख देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसकी कोशिकाएं सूख न जाए। अगर इसकी कोशिकाएं सूख जाती है तो हम इसे माइक्रोस्कोप में ठीक से नहीं देख पाएंगे। फोर्सेप की सहायता से इसे थोड़ा सा हम मसल देते हैं और इसके थोड़े से हिस्से को हम स्लाइड पर ले लेते हैं। हमारे पास डिसेक्टिंग नीडल है, इससे इसको हम अच्छे से अलग अलग कर देंगे ताकि इसकी कोशिकाएं हमको माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई दे। कुछ इस प्रकार से इसमें अब थोड़ा सा आयोडीन विलयन डालेंगे ताकि केले में उपस्थित स्टार्च के कण आयोडीन विलयन डालने से गहरे नीले रंग के हो जाते हैं, जो गुच्छे के रूप में हमें सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देंगे। अब कवर स्लिप लेंगे और इसे नीडल की सहायता से धीरे धीरे स्लाइड के ऊपर हम रखेंगे। ध्यान रखिए बच्चों, जब हम इस कवर स्लिप को रखते हैं तो हमें बहुत धीरे से रखना है ताकि हवा के बुलबुले इसमें प्रवेश न करें। तो देखिए हमारी स्लाइड तैयार हो गई। चलिए इसको हम देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में आपको जो कोशिकाएं दिखाई दी वो छोटी छोटी थी और इनकी कोशिका झिल्ली रेखा की तरह बारीक थी, और इसमें जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य कणिकामय होता है, मतलब कणिका के रूप में होता है और इसकी मात्रा बहुत कम होती है। और इन कोशिकाओं का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें अंतर कोशिकीय स्थान मतलब इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। और इस प्रकार की कोशिकाएं अगर आपको दिखाई देती है तो इसे हम मृदुतक ऊतक या पैरेन्काइमेटस टिश्यू कहते हैं।